बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इन्फेक्शन कंट्रोल पर होगा, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल को पढ़ने से पहले हमें इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन है ये क्या बला है, क्या चीज़ है। इन्फेक्शन के बारे में हमें पता होगा तो तब हम जाकर इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप गूगल करें आपको बहुत सारी डेफिनेशनें मिल जाती हैं, बट जो सिंपल है और जो बेसिक कॉमन है समझ आने वाली है वो ये है कि इन्फेक्शन जो है इट इज़ द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। अच्छा, ये जो इन्वेजन होता है, ये जो ग्रोथ होती है, ये मुख्तलिफ बैक्टीरियल के थ्रू भी हो सकती है, मुख्तलिफ जर्म्स के थ्रू भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी हो सकती है, ये फंगल भी हो सकता है अटैक, और ये अटैक जो है ये आपके पास वायरल अटैक भी हो सकता है, और ये बॉडी में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिकली हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी पॉलिसी, ऐसे इकदाम जो इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए जो अप्लाई किए जाते हैं उनको जो है इन्फेक्शन कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने पेशेंट को भी बचाना होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारे पास जो हेल्थ केयर टेकर्स होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ सब कुछ इसमें आ जाता है, जो क्लिनिकल होते हैं या उसके अलावा जो आपको हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हम आज स्टार्ट करते हैं अपना इन्फेक्शन कंट्रोल के, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शन कंट्रोल? मेयर्स प्रैक्टिस बाय हेल्थ केयर पर्सनल, ऐसी मेयर्स, ऐसे इकदाम जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं हेल्थ केयर पर्सनल्स, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, टू प्रिवेंट स्प्रेड एक्विजिशन ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन क्लाइंट्स, फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू क्लाइंट्स एंड फ्रॉम क्लाइंट्स टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मतलब ये है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में ऐसी तमाम तर मेयरमेंट्स, ऐसे तमाम तर मेयर्स जो कि हेल्थ केयर में जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से बचाया जा सके, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से बचाया जा सके, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन से बचाया जा सके और इन्फेक्शन की एक्विजिशन से बचाया जा सके। अब किन के दरमियान? ये क्लाइंट मींस पेशेंट्स के दरमियान और हेल्थ केयर टेकर्स जो होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, और ये यूँ समझ लें कि ये पेशेंट टू डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर टू पेशेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो नर्सेज हो सकता है, नर्सेज टू पेशेंट्स हो सकता है, डॉक्टर टू डॉक्टर हो सकता है, इसमें बहुत सारी फिर टर्म्स आ जाती हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो जो स्लाइड में आपको शेयर की गई है वो ये वाली है। ठीक है, अब उसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज द प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम। अब यहाँ पर आगे बताता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल जब हम इसके मेयर्स लेते हैं तो वो हमें कौन कौन सी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, किस किस चीज़ से जो है हमें बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड होने से। तो जब भी हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्प्रेडिंग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से बचाना होता है पेशेंट टू पेशेंट को, पेशेंट टू स्टाफ मेंबर को, स्टाफ मेंबर टू पेशेंट को एंड स्टाफ मेंबर टू स्टाफ मेंबर को। यानी कि ये जो है इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमने पेशेंट से पेशेंट, पेशेंट टू पेशेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं तो हमने अपने तमाम तर पॉलिसीज़ को अपनाना होता है, अपनी तमाम तर प्रोटोकॉल्स को, अपने तमाम तर जो है मेयरमेंट्स को लेना होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में, कि पेशेंट से पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल जो भी है वो पेशेंट टू पेशेंट ना स्प्रेड करें, वो पेशेंट टू डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको भी ना हो, और स्टाफ मेंबर टू पेशेंट्स, अगर कोई स्टाफ मेंबर है, पेशेंट डॉक्टर है, नर्सेज हैं, केयर टेकर्स हैं, बाकी वहाँ पर जो अमला मौजूद होता है उससे पेशेंट को ना हो जाए, और स्टाफ मेंबर टू स्टाफ मेंबर, डॉक्टर से डॉक्टर, नर्सेज से नर्सेज हो गया, तो इनके दरमियान भी जो है ये आपस में भी ना फैले। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल में हमने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, वाई इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि यार
ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल है ये हेल्थ केयर फैसिलिटेशन के अंदर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमने पीछे भी बयान की है, ताकि हर किस्म के इन्वेजन से बैक्टीरियल फंगल पोस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज मैनी सिक पीपल आर क्रिएटेड आर केयर्ड फॉर इन कन्फाइंड स्पेसेस। दिस मीन्स देयर आर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पेशेंट विल कम इन टू कंटेक्ट विद मैनी मेम्बर्स ऑफ स्टाफ who can potentially spread the microorganisms and infections between patient. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बहुत सारे हमारे पास ऐसे सिक पीपल होते हैं जिनको अलहदा उनकी ख़ास स्पेस होती है, ख़ास जगह पे उनको रखा जाता है। वजह क्या होता है कि उनकी जो सिकनेस होती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्वॉल्व होते हैं, और पेशेंट को साइड पे इसलिए रखा जाता है कि वो जो बाकी पेशेंट्स हैं जो बाकी वहाँ पर स्टाफ है उसको उससे बचाया जा सके। अब डॉक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है पेशेंट्स के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहना होता है, ठीक है। पेशेंट को कुछ पेशेंट्स को अलग रखा जाता है, कहीं को क्या पे, तो पेशेंट का जो है इतना कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन जितना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, एक हेल्थ केयर डॉक्टर जो होते हैं या नर्सेज होते हैं, तो वो उनका तो हर पेशेंट के साथ जो है कंटेक्ट रहता है। पेशेंट जो होता है एक तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स हैं, एक तो सिक है, अब बहुत सारे उसके पास स्टाफ मेंबर्स आते हैं या उसके पास डॉक्टर्स आते हैं उस पेशेंट को चेक करने के लिए, तो चांसेस हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट्स के दरमियान इस तरीके से फैल सके, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी सब्सटेंसेस आर हैंडल्ड एंड प्रोसेस्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में वेस्ट कंटामिनेटेड जो मटेरियल फेंक दिया जाता है जिसमें ब्लड लगा हुआ होता है, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ होता है, अब वहाँ पर जो सफाई करने वाले होते हैं या जो बाकी स्टाफ होता है वो भी तो उस हेल्थ केयर का हिस्सा है ना, तो वो जब उसको हाथों से उठाते हैं या उसको उठाकर साइड पर रखते हैं तो उनमें भी चांसेस होता है कि उनमें जो इन्फेक्शन फैल सकता है, उनमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है जब वो कंटामिनेटेड ब्लड कंटामिनेटेड वेस्ट मटीरियल को उठाएंगे फिर उसको जो है कहीं पे फेंकेंगे या उनको हैंडल करेंगे, तो इस तरीके से तो इनके लिए भी इन्फेक्शन को प्रोटोकॉल भी बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि हेल्थ केयर फैसिलिटेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर जो है हमारे पास जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि पेशेंट्स को पेशेंट से बचाया जा सके, इन्फेक्शन जो है एक हद तक कंट्रोल किया जा सके, मुमकिन कोशिश की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जिसको एच ए आई भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि एच ए आई क्या चीज है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इट्स ऑल्सो नोन एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन, इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इट इज एन इन्फेक्शन दैट इज अक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के अंदर जो है ना अक्वायर्ड होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हो जाते हैं या दूसरे जो हेल्थ केयर फैसिलिटेट्स होते हैं, ठीक है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर स्प्रेड करता है। अच्छा, हमारे पास अब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के ना दो मेथड्स हैं, एक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और दूसरा है एडिशनल प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वो है जो हर हाल में हमने अपने ऊपर और पेशेंट्स के ऊपर लागू करनी होती है। अब डॉक्टर हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को हर हाल में फॉलो करना है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको डॉक्टर कहलवाने का हक नहीं हासिल, क्योंकि आप खुद जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होकर स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों को किस तरह से जो है किस बेस पर ट्रीट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमारे पास क्या हैं? सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी अक्वायर्ड बाय द कंटेक्ट विद ब्लड बॉडी फ्लूइड्स नॉन इंटैक्ट स्किन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में ये होता है कि हमारे पास ऐसे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसमें से हमने डिजीज़ की ट्रांसमिशन को रोकना होता है, हमने प्रिवेंट करना होता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को। अच्छा, ये जो डिजीज़ होती है ये किस तरह से फैल सकती है? ये ब्लड के साथ कंटेक्ट में आने से भी हो सकती है, बॉडी फ्लूइड
बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो सकता है, किसी किस्म का फ्लूइड, उसका कॉन्टैक्ट आने के साथ भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है, नॉन इंटैक्ट स्किन की वजह से भी हो सकती है और म्यूकस मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से भी ये हो सकती है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हमने प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करने होते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने लेने होते हैं, स्टीरिलाइजेशन करनी होती है, ठीक है, अपने मटेरियल्स की जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, डिकंटामिनेशन हमने करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है और वेस्ट को ठिकाने लगाना होता है, वेस्ट डिस्पोजल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इनको ना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हैंड वॉशिंग क्या चीज़ है। दूसरा नाम देखें तो हैंड हाइजीन भी है, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ करना भी होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है हमने अपने हाथों से ही अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना होता है और पेशेंट से जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे हाथ ज़्यादातर उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो हैंड के थ्रू फैल सकता है, वो पेशेंट से जब हम एक पेशेंट को चेक करते हैं बगैर हाथ धोए, बगैर इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को अपनाए हुए दोबारा किसी पेशेंट के ऊपर वही जाके अटैच करते हैं तो वाले को जो बीमारी होगी चांसेस हैं कि वो दूसरे वाले को भी इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ को अच्छा, इसका भी अपना एक तरीकाकार होता है किस तरह से अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। इट इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सॉइल डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल वर्ड्स में कि हैंड वॉश करने की जो टेक्निक है या हैंड वॉशिंग का जो एक्ट है, ये बेसिकली हमने अपने हाथों को धोना होता है इस मकसद के लिए कि अगर हमारे हाथों पर किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए, कोई डर्ट लग गई है वो ख़त्म हो जाए, कोई सॉइल वगैरह लगी है वो ख़त्म हो जाए, या उसके अलावा कोई फ्लूइड वगैरह लग जाता है तो उसको भी रिमूव किया जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप अपने पास लिख के भी रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना होता है, और ये प्रॉपर तरीका बताया गया। ये आम डॉक्टर्स के अलावा भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आम बंदा अपने हाथों को धोता है या अपने हाथों की सफाई करता है घरों में भी जहाँ में भी, आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाइए ताकि आपके जो हाथ हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ रहें। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने हाथों को पानी के साथ वेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर सोप वगैरह या स्टेरिलाइजेशन मटेरियल जो भी होगा आपने उसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथों की जो हथेलियां हैं इनको आपस में रगड़ना है, रब करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपने नल के साथ या वाटर के साथ जो है अपने हाथों को गीला कर लेना है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर सोप अप्लाई करना है या जो भी आप एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है अपने हथेलियों को रगड़ना है। फिर उसके बाद आपने अपने हाथों की दोनों साइड की जो बैक होती है इनमें फिंगर की बैक को आपने अच्छे तरीके से रब करना है। फिर उसके बाद रब पाम्स टुगेदर विद फिंगर्स इन बैक ऑफ ईच हैंड्स विद फिंगर्स को आपने जो है रब कर दिया। अब आप अपने अपनी हथेलियों को लेना है और हथेलियों में जो है आपने फिर अपनी उंगलियों को जो है आपस में इंटरलेस्ड करके आपने उसको रब करना है। रब विद बैक ऑफ फिंगर्स टू द अपोजिंग पाम्स, उसके अलावा जो आपकी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, बैक ऑफ फिंगर्स जो है पिक्चर में आपको जिस तरह दिखाया जा रहा है ये अपने अपोजिंग पाम्स के अपोजिट पाम्स के जो है आपने क्या करना है, इसको रब करना है। फिर उसके बाद आप अपने हैंड जो आपका थंब होता है, आपके जो अंगूठे होते हैं, इनको आपने क्लैस्प करके अपोजिट हैंड्स के साथ रब करना है और अपनी जो फिंगर टिप्स होती हैं उनको भी आपने रब करना है। फिर उसके बाद आपने जो है रिस्ट, अपनी जो आपकी रिस्ट होती है, ठीक है, इसको भी आपने डिफरेंट हैंड्स के थ्रू, मतलब कि अपोजिट हैंड्स के थ्रू आपने जो इसको रब करना है। फिर उसके बाद आपने वाटर के साथ इसको धो लेना है अच्छे तरीके से और साफ कपड़े के साथ, साफ टिश्यू के साथ आप जो इसको क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को साफ कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके हाथ जो है अब अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है हाथों को धोने का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड क्लॉथिंग होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय पहनता है, वो आपका असिस्टेंट हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करेंगे अगेंस्ट इन्फेक्शियस मटीरियल। ओके, अच्छा, प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हमारे पास ग्लव्स आ जाते हैं, गाउन आ जाता है, मास्क आ जाता है, प्रोटेक्टिव आई वेयर आ जाता है, फेस शील्ड आ जाती है, एप्रॉन वगैरह आ जाता है। ठीक है, एप्रॉन वगैरह लेड एप्रॉन लेड का बना होता है, ये एक्सरे के दौरान पहना जाता है। अच्छा, ग्लव्स, अब ये जो हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हमें जो है ना पिक्चर के साथ उसको दिखाया गया है, हमारे पास कैप होना चाहिए,
आई वेयर होना चाहिए, जिसको गागल्स आप बोलते हैं, मास्क आपका होना चाहिए, गाउन पहना हुआ होना चाहिए आपने, एप्रॉन पहना हुआ होना चाहिए अगर आप एक्सरे वगैरह ले रहे हैं और या एक्सरे रूम में हैं। उसके अलावा आपके पास अच्छे वाले ग्लव्स होने चाहिए और शू कवर्स भी होना चाहिए। ये आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं और इनको आपने याद करना लाजमी है। ओके, अब उसके बाद है डोनिंग पीपीई, मतलब कि आपने किस तरह से उसको वेयर करना है, उसको पहनने का तरीका क्या है। अब गाउन क्या है, गाउन को पहनने का तरीका ये वाला है। जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये जो उसकी ओपन एरिया होता है, जिस तरह ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, ये उनका सामने वाला होता है, तो सामने आपने नहीं डालना। आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर में दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से आप कंसेप्ट लें और इस तरीके से आपने उसको बैक की तरफ जो है वो बंद कर देना है, और आपका जो फ्रंट साइड होगा वो बिल्कुल टोटली कवर होगा, फुली कवर टॉर्सो फ्रॉम नेक टू नीज, आर्म्स टू एंड ऑफ रिस्ट एंड रैप अराउंड द बैक, फास्टन इन बैक ऑफ नेक एंड वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपने ना मास्क वगैरह पहनना है और रेस्पायरेटर, ठीक है। आपने जो है इसको अच्छे तरीके से फिट कर देना है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। गॉगल्स आर फेस शील्ड, ये आपने किस तरह से पहननी है, प्लेस ओवर द फेस एंड आईज एंड एडजस्ट टू इट। अच्छा, इनका पहनने का ना पता है फायदा क्या है, स्केलिंग के दौरान या जब आप अपना प्रोसीजर कर रहे होते हैं, अगर आप डेंटिस्ट हैं, तो कुछ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल जो है वो उड़ के आपकी आंखों में जा सकते हैं, आपके मुंह के अंदर जा सकते हैं, या पेशेंट कभी कभार वोमिटिंग कर देता है, या कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने फेस शील्ड लगाया होगा तो इससे आपको जो है ना प्रिवेंशन मिल जाती है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट आपके फेस के साथ जो है कंटेक्ट में नहीं आते, बल्कि वो उसके गॉगल्स के ऊपर या फेस शील्ड के ऊपर जो है वो क्या कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ग्लव्स किस तरह से पहनते हैं, ग्लव्स जो है एक्सटेंडेड टू कवर रिस्ट ऑफ आइसोलेशन गाउन। तो आपने क्या करना है, ये गाउन और ये मुकम्मल तौर पर आपका ये जो ग्लव्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, ठीक है। मजीद वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है किस तरह से आपने जो है फिर उनको फेंकना है, उतारना किस तरह से है और उसको ठिकाने किस तरह लगाना है। अब उसके बाद हमारे पास है स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन हमने किस तरह से करनी है, स्टीरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इंटेंटेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ माइक्रोबियल किल दैट इज पॉसिबल। स्टीरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप किया जाए या उनको टोटली किल किया जाए, और ये एक स्टेरिलाइजेशन का या माइक्रोबियल स्टेरिलाइजेशन जो है ये माइक्रोबियल किल का एक हाईएस्ट लेवल है जो कि पॉसिबल है। देयर आर फोर मेन वेज इन विच सच आइटम्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन के हमारे पास ना चार मेन वेज हैं जिसमें हम इनको जो है स्टेरिलाइज कर सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को किल कर सकते हैं या उनको स्टॉप कर सकते हैं। ऑटोक्लेव है जो आजकल बड़े बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली इन डेंटिस्ट्री फील्ड, डेंटल क्लिनिक्स में ये आपको नज़र आएंगे। और बाय यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम, इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा ओवन वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ड्राई हीट को यूज़ किया जाता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन भी की जाती है, इसमें केमिकल स्टेरिलेंट्स होते हैं जिसमें ग्लूटरएल्डिहाइड्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशंस वगैरह इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा होता है रेडिएशंस का मेथड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। अब है डिकन्टामिनेशन। डिकन्टामिनेशन जो है ये बेसिकली इट इज़ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सर्फेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट, वो हमारा मटेरियल हो सकता है, वो हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या कोई भी सरफेस हो सकती है, उस पर से हमने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक हद तक जो है ना मुमकिन कोशिश करके मुमकिन हद तक हमने उसको रिडक्शन उसकी करनी होती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम से कम हो जाए, बट नॉट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्पोर्स। लेकिन इसमें यह होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक कर देते हैं, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, हम उसकी कॉलोनाइजेशन होती है उसको वीक कर देते हैं किसी हद तक, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पर ना तबाह होते हैं ना मुकम्मल तौर पर स्पोर्स डिस्ट्रक्ट होते हैं। दिस इन्फेक्शन इज लेस इफेक्टिव देन स्टेरिलाइजेशन। दिस इन्फेक्शन या डिकन्टामिनेशन जो है ये स्टेरिलाइजेशन के मुकाबले में लेस इफेक्टिव है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें तमाम बैक्टीरियल जो है एंडोस्पोर्स वो किल नहीं होते हैं, इनमें उनको वीक किया जाता है, ठीक है। डिस इन्फेक्शन यूजेस लिक्विड केमिकल्स ऑन सर्फेसिस एंड रूम टेम्परेचर टू किल डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिस इन्फेक्शन बेसिकली क्या होते हैं,
डिसइंफेक्शन जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जो हम अपनी सर्फेसिस जहाँ पे हमने जिस जगह को साफ़ करना या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स पर हैं उनके ऊपर डाला जाता है, ताकि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किल होने वाले हैं वो किल हो जाते हैं, बाकी जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट हैज़ ऑल्सो बिन यूज टू डिसइनफेक्ट द रूम्स ऑफ पेशेंट्स आफ्टर डिस्चार्ज। ये जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ये जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो पेशेंट के डिस्चार्ज होने के फौरन बाद जो है उसके रूम को डिसइनफेक्ट किया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके। उसके बाद क्लीनिंग है। क्लीनिंग में ये हाउसकीपर का काम होता है, जो हॉस्पिटल्स हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलर और रूटीन क्लीनिंग के लिए। हमारे पास क्लिनिक में या उसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स में रेगुलर बेसिस पे और रूटीन वाइज जो है ये हॉस्पिटल की क्लीनिंग की जाती है, उसमें उसकी तमाम सर्फेसिस को मेंटेन किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है, उसकी डस्टिंग की जाती है, हर किस्म की उसमें जो है सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ हाइजीन इन फैसिलिटी इन कोलेबोरेशन विद द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से होती है, आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर देखा होगा, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स जो होते हैं या उसके अलावा जो है जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं उनमें ना मुख्तलिफ किस्म के बैग लगे हुए होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हर बैग का अपना अपना मटीरियल को जो है कलेक्ट करने का एक काम होता है, एक कोड दिया गया होता है कलर का। वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मैनेजमेंट का अगर आपसे कोई पूछता है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसमें जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कलेक्शन की जाती है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है या डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, उसके अलावा इसको मैनेज किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है वेस्ट मटीरियल को। ओके, पर्पस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल के मकासद क्या हैं, वरना हम इसको खुले में भी छोड़ सकते हैं कि पड़ा रहे हमारा क्या इसमें, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं इसलिए हम इसको ठिकाने लगाते हैं वेस्ट डिस्पोजल को। टू रिड्यूस हैजर्ड्स नेचर ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट की जो हैजर्ड्स नेचर होते हैं उसको कम किया जा सके। टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ताकि जो हमारे पास वेस्ट का वॉल्यूम है उसको कम किया जाए। टू प्रिवेंट मिस यूज और अब्यूज ऑफ वेस्ट, ये आपने अक्सर ये जो नशाई हजरात होते हैं इनको देखा होगा, ये जो है ना इंजेक्शन जो इन्होंने लगाए हुए होते हैं तो ये जो हमारे पास वेस्टेज एरिया होता है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से ये नीडल्स वगैरह ले लेते हैं, या उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि एक नीडल को बार बार यूज़ किया जा रहा होता है तो उसको जब ठिकाने लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली न्यू नीडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, इसके मिस यूज से भी ये हमें बचाता है। टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये जो है सेफ्टी हेल्थ के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, कुछ रेड कंटेनर्स हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ वाइट हमारे पास हैं। ऊपर मैंने पिक्चर में भी दिखा दिया है कि ये जो ब्लैक होते हैं इसमें क्या चीज़ डाली जाती है, रेड में क्या चीज़ डाली जाती है, येलो में क्या चीज़ डाली जाती है, तो ये आपने इसका जो है अच्छे तरीके से इसको लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल, वो हमने पढ़े स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, अब ये हमारे पास हैं एडिशनल या ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होती हैं। एडिशनल प्रिकॉशंस या इसको इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस भी कहा जाता है आर टेकन वाइल इंश्योरिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर मेंटेन, ठीक है, ये उस वक्त की जाती हैं जब हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को इंश्योर किया हो। एडिशनल प्रिकॉशंस में जो है एयरबॉर्न प्रिकॉशंस आ जाती हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आ जाते हैं, कंटेक्ट प्रिकॉशंस आ जाते हैं। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस क्या होते हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स आर डस्ट पार्टिकल्स कंटेनिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स। एयरबॉर्न जो होते हैं ये बेसिकली एयर में मौजूद होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, बाजुकात ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स इनमें मौजूद होते हैं, कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये एयर के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ना ये सस्पेंडेड हो जाते हैं। एयर करंट्स कैन ब्लो देम लॉन्ग डिस्टेंसेज, कैन बी इमिटेड ड्यूरिंग टॉकिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड विस्परिंग। तो बाजुकात क्या होता है, कभी कभार जब आप खांसते हैं, बात कर रहे होते हैं तो मुंह से जो है वो मोती गिर रहे होते हैं, स्नीजिंग जब आपको होती है, ये कफिंग जब आप करते हैं, ठीक है, या विस्परिंग आप करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एयर में चले जाते हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद रहते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आती है मायो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है,
या मिजल्स हो गया, या उसके अलावा चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और एयरबॉर्न के ड्रॉपलेट में क्या होता है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में हमने क्या करना होता है कि प्रोपेल्ड शॉर्ट डिस्टेंसेस थ्रू द एयर, डिपॉजिटेड ऑन होस्ट एंड कैन बी एमिटेड ड्यूरिंग टॉकिंग, और ये टॉकिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, कफिंग के दौरान, या उसके अलावा अगर आप कोई सक्शनिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं, या उसके अलावा जो आप ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये जो है फिर एमिटेड हो सकता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस हो सकता है, मम्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, रुबेला, सम निमोनिया एंड मेनिनजाइटिस एंड सेप्सिस वगैरह। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं कि ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारे पास है कंटैक्ट प्रिकॉशन, के थ्रू कंटैक्ट किस तरह से हमें बचा जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमने पीछे पढ़ा जो क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन में जो सबसे ट्रांसमिशन का अहम किरदार अदा करते हैं वो आपका कंटैक्ट होता है, वो आपका हाथों का कंटैक्ट ज़्यादातर होता है। बॉडी कंटैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, नोजोकोमियल ओरिजिनेट या टेक प्लेस इन हॉस्पिटल्स और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। नोजोकोमियल इन्फेक्शन द क्लाइंट गेट्स इट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें जो क्लाइंट होता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन द हॉस्पिटल या इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। ओके, अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आता है, HSV हो सकता है, हाफ्स हो सकता है, इम्पेटिगो हो सकता है, स्कैबीज हो सकते हैं, इसमें सम गैस्ट्रो इंटस्टाइनल रेस्पिरेटरी स्किन और वाउंड इन्फेक्शंस, एंड डायरेक्ट कंटैक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू भी ये हो सकता है। कंटैक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट कंटैक्ट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंटैक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टाफ सेफ्टी कॉन्सिडरेशन, जो हमारे पास स्टाफ मौजूद होता है उसकी सेफ्टी की कॉन्सिडरेशन भी होनी चाहिए। सेपरेट सेपरेट ट्रॉलीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट विद इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डिफरेंट किस्म की ट्रॉलीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तमाम वर्कर्स जो काम करने वाले वहाँ पर हैं इन्वॉल्व इन द वर्क आर अवेयर ऑफ हैजर्ड्स नेचर ऑफ वर्क, के जितने भी वर्कर हैं सबसे पहले तो उनको ये तरबियत दी जाए कि जो आप वेस्ट मटेरियल उठा रहे हैं ये आपके लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने उनको गाइड करनी है, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना है और तब जाके उनसे काम करवाना है, क्योंकि वो भी हमारी एक जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटेशन के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। प्रोवाइडेड विद ऑल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना ज़रूरी होता है, उनको भी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। ये हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनका ये जो है ना काम है कि वो उनको मुकम्मल फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो वेस्ट को ठिकाने लगा रहे हैं और हो सकता है कि हाई रिस्क चांसेस हैं उनको इन्फेक्शन होने के। इम्यूनाइज अगेंस्ट टेटनस एंड हेपाटाइटिस भी, उनको टेटनस वगैरह हो गया या हेपाटाइटिस बी वगैरह हो गया, इनके अगेंस्ट जो है इम्यून किया जाए, ठीक है। रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज का क्या काम होता है, विजिट ऑल वार्ड्स एंड हाई रिस्क यूनिट्स, उनको क्या करना चाहिए कि तमाम वार्ड्स में और ऐसे यूनिट्स जो हाई रिस्क में होते हैं उनको विजिट करें डेली बेसिस पर। चेकिंग नर्सिंग सुपरवाइजर्स रजिस्टर, जो नर्सिंग सुपरवाइजर रजिस्टर होता है और रिकॉर्ड्स वगैरह होता है फॉर केसेस जस्ट ऑफ इन्फेक्शन, उनको डेली बेसिस पर वो चेक करें। एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड सेंडिंग देम टू द लैब, वो अपनी हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट लैब से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है वो कुछ सैंपल्स वगैरह इकट्ठे करेंगे और उनको फिर जो है लैब की तरफ भेजेंगे और लैब से फिर उनके रिजल्ट शो करवाएंगे कि आया कि इन्फेक्शन या किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए। डेली विजिट टू माइक्रोबायोलॉजी लैब टू एसर्शन रिजल्ट ऑफ सैंपल कलेक्टेड, डेली बेसिस पे जो सैंपल्स कलेक्टेड हो रहे होते हैं उनमें माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएं, उनके रिजल्ट को चेक करें, मॉनिटर करें एंड सुपरवाइज करें इन्फेक्शन अमंग हॉस्पिटल स्टाफ, जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है उनकी मॉनिटरिंग करें, सुपरविजन करें, उनको चेक करें कि क्या किसी स्टाफ को तो कोई इन्फेक्शन नहीं है या कोई इन्फेक्शन हो तो नहीं रहा, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिकल पर्सनल ऑन करेक्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड एस्पेक्ट टेक्निक, तो हमारे पास जो नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो असिस्ट करा रहा होता है,
तो उनको भी जो है ना प्रैक्टिस करवाई जाए करेक्ट हाइजीन की, किस तरह से उन्होंने अपना हाइजीन को मेंटेन करना है और एस्पेक्ट टेक्निक के थ्रू। तो ये था हमारा आज का इन्फेक्शन कंट्रोल का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।